कोई एलाहाबाद के सरपंच भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई रानिया के सरपंच ज्वाइन कर रहे हैं, सिरसा पर तो पूरी हवा हो गई कांग्रेस पार्टी की। और ये मगर मैं आप सबको एक सावधान भी करना चाहता हूँ, 10 साल से तानाशाही ताकतों से विपक्ष में मैं अकेला सांसद, जब दिल्ली की उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, क्योंकि हरियाणा के 15 सांसदों में से 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा में, 14 बीजेपी के, अकेला 10 साल से जब अकेला विपक्ष में रह रहा हूं, देश की राजनीति के बारे में थोड़ा मेरा भी ज्ञान हुआ, मेरी उम्र कम है, लेकिन 5वीं बार संसद में पहुंचने का मौका मिला, मैंने सरकार भी देखी है विपक्ष भी देखी, चार नाम मनभेद और शामिल राजनीति जनता को धोखा देने में माहिर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनके मंत्री का बयान आया जेपी दलाल जो व्यवहारों से चुनाव हारे, उन्होंने कहा कि जनता हमारे खिलाफ होगी, इसीलिए कई वोट काटू उम्मीदवार लोगों के बीच में हम छोड़ेंगे, कई बीजेपी के एजेंट लोगों के बीच में अलग अलग पार्टियों के रूप में और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में छोड़ेंगे, वोट काटू बीजेपी के कुछ वोट काटू निर्दलीय कुछ वोट काटू, एक एक एमएलए की पार्टियां आपके बीच में आएंगी, जनभावना जो बीजेपी के खिलाफ है उस जनभावना को धोखा देकर दोबारा से 2019 की तरह कैसे सरकार बनाई जाए, इस साथ में कुछ लोग होंगे, ये कौन किस वोट काटू की मैं बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, कौन बीजेपी के एजेंट आप समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो जब हर आदमी की जबान पे है कि बीजेपी की एजेंट इन्हें लो है, हमने तो नहीं कहा प्रेस वाले, देखो हर आदमी कह रहा है बीजेपी के एजेंट के रूप में इन्हें लो जेजेपी, और यहाँ पर गोपाल मांगा उनके मुंह से निकल गया कि नहीं निकल गया, मुंह से निकल गया कि नहीं निकल गया, देर रात का इंटरव्यू हो रहा था, ऐसा दिखाई देता है इनको, रात को नींद नहीं आती, हाथ की तरफ से सो नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए उसीलिए आपको मुंह से निकल गया कि हमको बीजेपी का साथ देंगे। भाई दोनों जी को बहुत बहुत बधाई, एडवांस में जीत तय है, जितनी बड़ी जीत होगी उतना बड़ा।